हर साल की तरह इस बार भी बाणगंगा क्षेत्र में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ रथ यात्रा हनुमान प्रकट महोत्सव के तहत निकाली जाएगी, जिसके आयोजक संस्था जय गोपाला है। संस्था जय गोपाला के तत्वावधान में हर साल हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान प्रकट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस बार यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेंगे बाल हनुमान सीरियल के कलाकार ईशांत, जो कि हनुमान जी की वेशभूषा में रथ पर सवार होकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इस रथ यात्रा की एक और खासियत ये है कि यात्रा में 45 कन्याएं शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हुए शामिल होंगी। वहीं नासिक की ढोल ताशा पार्टी, झांकी, बैंड बाजे के अलावा और भी कई आकर्षण देखने को मिलेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बाल कलाकार ईशांत इंदौर पहुंच चुके हैं, जिनसे दोपहर न्यूज की टीम ने खास चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। अब तक आप हमारे कई मेहमानों से मिले, पर इस बार हम आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं वो इंदौर शहर के नहीं है। आप देख रहे हैं छोटे से बालक को, शायद आपने इनका चेहरा देखकर पहचाना होगा। यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और आपको दिखाते हैं इनकी असली तस्वीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखा आपने ये कौन है और अब आप पहचान ही गए होंगे। बालक ईशांत हमारे साथ है। बालक, आपका सबसे पहले इंदौर की नगरी में, महल की नगरी कहा जाता है, इसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप जो सीरियल में आ रहे हैं, जो जय बजरंग बली नाम है, इसमें आपकी किस कदर की भूमिका और ये रोल आपको कैसे मिला है? ये रोल तो वैसे मुझे ऑडिशन देने से ही मिला है। मैंने वैसे तो पहले मैं बहुत सारे ऑडिशन दिया था, हनुमान से पहले साथिया सीरियल भी किया था, उसके बाद मैंने एक ही बार में मैंने ऑडिशन दिया तो मैं सिलेक्ट हो गया इसी। ईशांत, हम जानना चाहते हैं कि आप जो टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं तो कुल कितनी देर आप इसमें सीरियल में आप जो शूटिंग करते हैं, पढ़ाई के लिए कितना वक्त निकालते हैं, कैसे करते हैं दोनों वक्त आप? वैसे मैं शूटिंग करता हूँ 10 या 11 आवर्स, उसमें से ब्रेक के बाद 2 आवर्स में पढ़ाई करता हूँ, मेरी ट्यूशन टीचर आती हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 8th में जाऊँगा। अच्छा, परिवार में आपके कौन कौन सदस्य हैं? परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, मैं और मेरी एक छोटी सी बहन। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा का ऑयल का बिजनेस। अच्छा, आपने बचपन से यही सोचा था कि आप कोई बढ़िया रोल करेंगे या कुछ और सोचा था? क्योंकि हर बच्चों की कोई ना कोई हॉबी होती है, तो आपने जो धार्मिक आयोजन सीरियल में काम किया है बजरंग बली, इसकी जगह आपको सुपरमैन या अन्य भी तो रोल मिल सकते थे, आपने यही क्यों चुना? वैसे तो इंडिया में तो वैसे कुछ ऐसे रोल तो मिलेंगे नहीं, मैं तो ऐसे ही नॉर्मली ऑडिशन देने गया था, बाद में पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया मुझे, फिर सेकेंड टाइम मुझे बुलाया, मेरा वापस ऑडिशन लिया, तो ऐसे करके मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आपने कहाँ इसकी ट्रेनिंग ली है जो आप आर्ट करते हैं, जो कला आपने सीखी है? ट्रेनिंग तो नहीं ली मैंने। अच्छा, डायरेक्ट आप शुरू हो गए? हाँ। अच्छा, इंदौर आप कभी आए इसके पहले? हाँ, इसके पहले मैं आ चुका हूँ भव्य रथ यात्रा के लिए। क्या देखा था इंदौर में आपने? इंदौर में तो वैसे तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है मैंने, कि यहाँ पे कुछ गंदगी नहीं रहती है, एकदम बोलते ना फ्रेश एयर है, और ऊपर से भव्य रथयात्रा मेरे को मुझे बहुत अच्छी लगी। सारे लोग मेरे आजू बाजू में चल रहे और बहुत बड़ी भव्य रथ यात्रा थी। अच्छा, मतलब आप हमारे इंदौर को नंबर वन मानते हैं और इसकी आप तारीफ भी कर रहे हैं, मतलब हमारे नगर निगम इंदौर को और हमारे महापौर को निश्चित आप श्रेय दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, इंदौर के अंदर खान पान भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर कई काफ़ी चटपटी व्यंजन भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, आपको क्या पसंद है उसमें से? फिलहाल तो मैंने अभी तक सिर्फ पनीर भुर्जी खाई है। अच्छा, क्या खाना पसंद करेंगे आप? कभी सराफा गए चाट खाने? नहीं, इस बार जा सकते हैं। अच्छा, अगले आपके और कौन कौन से सीरियल आ रहे हैं? अभी तो मैं जो मैं करने जा रहा हूँ वो है विघ्नहर द गणेश, में मैं शिव भगवान का रोल करूँगा, शिव भगवान का पहला अवतार पिपलाद का रोल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ फिल्मों के भी आपको ऑफर मिले हैं? फिल्मों के ऑफर्स हाँ मिले, मैंने एक फिल्म भी की अभी सीफर करके है, 3 मई को रिलीज होगी, 3 मई को। इसके पहले कोई फिल्म की आपने? उससे पहले बजरंगी भाईजान, उसमें भी मेरा रोल था छोटा सा। अच्छा, छोटा सा रोल था। आप चाहेंगे कि आपको फिल्मों में कोई बड़ा ऑफर मिले, कोई बड़ा रोल मिले, तो किस तरह का रोल पसंद करना चाहेंगे आप? वैसे तो
सब तो हीरो का लेते, मुझे विलन का लेना है। अच्छा, हीरो में आपको सबसे ज्यादा हीरो कौन सा पसंद आता है? हीरो वैसे वरुण धवन और रणवीर सिंह। कारण क्या? इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, बिल्कुल बजरंग बली की तरह स्ट्रांग, या और कुछ वजह? नहीं, रणवीर सिंह मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मूवी, उसकी मूवी देखने में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बोलते हैं ना, इंटरेस्टेड फील होता है एकदम। अच्छा, आप अपनी छोटी बहन को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसे भी क्या आप इसी सीरियल लाइन में लाएंगे या पढ़ाई की का ही कहेंगे उसे? नहीं, जैसे मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ तो वो पढ़ाई करेंगे, अपोजिट अपोजिट रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे? नहीं, दोनों साथ में शूटिंग। अच्छा, आपके इस काम में आपके मम्मी पापा कितनी हेल्प करते हैं आपको? मम्मी पापा तो बहुत हेल्प करते हैं। मम्मी मेरे साथ आती है शूटिंग पे, मतलब बोलते हैं ना, मेरी सेवा करती है वहाँ पे, खाना खिलाती हैं, फिर जो भी होता है स्क्रिप्ट में मुझे लाइंस करवाती हैं, फिर मेरे साथ सेट पे चलती हैं, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम बॉडीगार्ड ऐसे। अच्छा, इंदौर के जनता आपको देख रही है हमारे टीवी चैनल में, जो कि हमारा दोपहर न्यूज़ चैनल है, या सिटी केबल नेट के अलावा और भी दूसरे चैनल नेट पे आता है, तो लाखों की संख्या में दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इन्हें मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भक्तों, जय श्री राम, जय गोपाला, मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ भव्य रथ यात्रा पे जाने के लिए। तो कल शाम को 6 बजे मिलते हैं जय गोपाला चौराहे से मरी माता चौराहे तक आपके साथ। तो ये तो रहा इनका संदेश, जो कि कल आपके बीच में ये आ रहे हैं, और ये इस वेशभूषा में नहीं बल्कि पूरे बजरंग बली की वेशभूषा आएंगे, बाल हनुमान के रूप में आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक यादव जी से भी चाहेंगे कि वे हर साल हनुमान जयंती पे एक बड़ा आयोजन करते हैं, इस बार उनके आयोजन का क्या स्वरूप रहेगा? भक्तों, जय श्री राम, जय गोपाला। जैसा पिछले 5 वर्षों से हम लोग यह यात्रा निकाल रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी यात्रा का निकालने का यह है कि धार्मिक यात्रा होती है। इसके अंदर आप देखेंगे इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश भारत के अंदर जो भी धार्मिक यात्रा निकलती हैं अभी तक, उसके अंदर सिर्फ संदेश में ये जाता है कि फ़ोटो और नाम चलते हैं। हमारी जो धर्म ये धार्मिक यात्रा निकालते हैं, उसके अंदर हमारा संदेश एक ही रहता है, किसी का कोई फ़ोटो नहीं लगता है, सिर्फ बाबा हनुमान जी का रहता है फ़ोटो। और इस बार हमने कन्याओं को तैयार करा है अखाड़े की, जो इस बार 40 से 45 बालिकाएं अखाड़ा खेलते हुए इसमें चलेंगी। और आपके सामने ईशान भानुशाली हैं, जो संकट मोचन हनुमान के हैं, इस बार 3रा वर्ष इनका लगातार आते हुए, और हर साल आते हैं। और आप जो भी, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा इंदौर वासियों को कि एक बार अवश्य आकर हमारी तारीफ ना करें, बाकी हमारी गलतियाँ ज़रूर बताएँ। तो आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? ईशान से मुलाकात आपको कैसी लगी? यह दोपहर न्यूज़ चैनल के अलावा यह प्रोग्राम हमारा YouTube पर भी है, यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कैमरामैन नीरज बोरासी के साथ राजेश पिपलोदिया, दोपहर न्यूज़, इंदौर।